रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन, आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़े और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है। मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथियों को फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो एक प्लान तरीके से नेशन बिल्डिंग का विजन होना चाहिए था, वो लीडरशिप का कमजोर था। ये सोच के कि 5 साल में तो इलेक्शन होने, 2.5 साल तो हो गया, अब आप मुझे कह रहे हैं इसका वो करने के लिए इम्पैक्ट होगा इसका 15 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में। एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना अपना बना रहा है, खैर अब हम भी अपना बना रहे हैं गार्डन, लेकिन हम लोगों ने इतना महंगा जो है वर्षों को लिया जो उसे विक्रमादित्य के नाम से हमने। तो ये जो बातें हैं इसके लिए लॉन्गर गेस्टेशन की, इमीडिएट टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर इम्पॉर्टेंट। तो इमीडिएट में आपने कहा कि मनरेगा कर दो तो वोट मिल जाएंगे, या
छोटी छोटी चीजें, क्योंकि उसका इमीडिएट इंपैक्ट, आज पैसा दिया कल 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर में लोगों को उसका फायदा हुआ, लेकिन राष्ट्र तो नहीं बना। आपने जितना वो कैपिटल था उसके अगर वो ये करते तो इन्हीं ऑनलाइन फैक्ट्री में उन लोगों को रोजगार मिलता, उनकी कैपेबिलिटीज बनती, हॉस्पिटल बनते, रोड्स बनते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, है ना, ओवरऑल वो होता, शायद हिंदुस्तान जो था वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मामेंट एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता था, क्योंकि हम नॉन अलाइंड कंट्री थी। तो जितना भी अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है वो, क्योंकि इन वेपन्स को लेने में एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वेपन्स तो एक होती हैं और वेपन्स के एक्चुअल ये तो मशीन का टुकड़ा है, इसका तो अमुनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अरे अमुनेशन आप एक साथ बहुत के नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, 6 महीने, साल, साल डेढ़ साल के अंदर में यूज नहीं हुआ तो उसके बाद में बेकार होता है। अब जब लड़ाई लगती है तो एक तो इसकी प्राइसेस वो करीबन कम से कम 7 या 8 गुना बढ़ा देते, दूसरी बात वो कंडीशन ले करते हैं कि साहब नहीं, अगर आप पाकिस्तान के सामने लड़ाई करेंगे तो हम नहीं लेंगे, कश्मीर इशू के ऊपर में हम तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, या हमारे चाइना के साथ में वो है तो, लेकिन जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन के वेपन्स होते हैं उसके ऊपर में हमारे ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करने की चाइना की विदेश, ये देखिए हिंदुस्तान एटॉमिक कैपेबिलिटी भाभा साहब के टाइम पर 1954 में कर सकता था, 1968 के अंदर में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई आने वाली थी, तो हम उस वक्त में टोटल इस पोजीशन में थे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते, चाइना ने कर दिया, तो सर न्यू यूएन का रेजोल्यूशन बना कि जिन लोगों ने अब तक कर दिया वो तो न्यूक्लियर पावर कही जाएगी और जो नहीं करेंगे उन पे एनपीटी लग जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और वो प्रोलिफरेशन नहीं कर सकती, अगर करेंगे तो इंटरनेशनल सैंक्शन लग जाएंगे। तो इंडिया ने जो है वो वॉलंटियरली वो कर दिया कि हम नहीं करेंगे, कहा भी गया, नेहरू जी से भी कहा गया, फिर बाद में भी कहा गया, लेकिन वो नहीं किया, और क्योंकि चाइना ने कर दिया तो अब चाइना के ऊपर में कोई चक नहीं है, वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल 450 उन्होंने कर लिया और भी जितना बढ़ा सके उस पर कोई चक नहीं। हिंदुस्तान अगर एक पोखरण के अंदर में टेस्ट करता है तो कहते हैं साहब इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर में सारी इंटरनेशनल सैंक्शन लगनी शुरू हो। आज स्पेस के अंदर में अभी यूनाइटेड नेशंस ने वो बनाया नहीं, बनाने वाला है, ये बनाने वाला है सोच के चाइना ने स्पेस के अंदर में वेपन डाल दिया, कहां पे डाला, अपना ही सैटेलाइट मार दिया, अपने ही सैटेलाइट को, एक फेलो सैटेलाइट था जिसको वो यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने स्पेस के अंदर में स्पेस सैटेलाइट को हिट कर दिया, किस लिए कर दिया, ताकि जब लोग कहेंगे हमारी तो स्पेस कैपेबिलिटी 2012 में थी, 2013 में थी, तो अब इसके बाद में स्पेस कैपेबिलिटी पे मना होगा। इंडिया स्पेस के अंदर में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, इंडिया स्पेस वेपन सिस्टम्स के बारे में तैयार नहीं, स्टार वार्स के बारे में हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे सिद्धांत में, और दूसरी बात इसका कोई पॉलिटिकल लाभ भी नहीं होगा, हिंदुस्तान को समझेगा भी कितने वोट मिलेंगे स्पेस पे, ये भी बात है, तो ये लंबा चौड़ा सवाल है, चलिए, पर फिर भी अच्छा है कि आप इस तरह की बातों के बारे में सोचते हैं।